मशहूर हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी देश से लेकर विदेशों तक में काफ़ी मशहूर हैं। उन्होंने अपने काम से खूब लोकप्रियता हासिल की है, साथ ही विवादों से भी सपना चौधरी का गहरा नाता है। आइए जानें उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ हैरान कर देने वाले किस्सों को। हरियाणा की मशहूर सिंगर और डांसर सपना चौधरी की लोकप्रियता किसी से छुपी नहीं है। देश से लेकर विदेशों तक में सपना चौधरी के फैंस हैं। जब भी सपना स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस के लिए आती हैं, उनके फैंस की तालियां और शोर से पूरा स्टेडियम गूंज उठता है। स्टार बन चुकी सपना चौधरी ने अपनी जिंदगी में खूब उतार चढ़ाव देखे हैं। उन्होंने महज 12 साल की उम्र में ही स्टेज पर डांस करना शुरू कर दिया था। शुरुआत में उन्हें लोगों के ताने सुनने को मिलते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी कला से लोगों के दिलों में जगह बना ली। आज जहां भी सपना का शो होता है, वहां लाखों की भीड़ देखने को मिलती है। लेकिन सपना का विवादों के साथ भी गहरा नाता रहा है। चलिए आपको बताते हैं सपना चौधरी से जुड़े कुछ अनसुने किस्से। एक बार सपना चौधरी की जिंदगी में वो पल आया जहां उन्होंने खुद को खत्म करने का मन बना लिया था। दरअसल हुआ ये था कि साल 2016 में सपना गुड़गांव में एक परफॉर्मेंस देने गई थी। इस दौरान उनके एक गाने पर खूब बवाल हो गया। सपना पर आरोप लगाए कि उन्होंने जातिवाद को बढ़ावा दिया है। मामला इतना बढ़ गया कि सपना के खिलाफ पुलिस स्टेशन में FIR तक हो गई। साथ ही हर जगह सपना को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था। ये सब देख सपना काफ़ी निराश और अंदर से टूट सी गई थी। इन बातों से सपना को इतना बड़ा झटका लगा कि उन्होंने जहर खाकर सुसाइड करने की कोशिश की। बताया जाता है कि सपना को बेहद ही गंभीर हालत में पाया गया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में ले जाया गया। सपना की हालत देख डॉक्टर्स भी काफ़ी हैरान और परेशान हो गए थे। डॉक्टर की एक टीम ने सपना की जान बचाने के लिए खूब मेहनत की, जिसके बाद सपना की जान बच पाई। कुछ समय बाद सपना ने इस हादसे के बारे में बातचीत करते हुए कहा था कि उन्हें इस हादसे से ये सीख मिली कि लोगों की कही बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको बता दें, सपना चौधरी पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 11 में भी बतौर कंटेस्टेंट शो में शामिल हुई थी, जहां उनसे एक्टर सलमान खान ने उनसे उनके सुसाइड को लेकर सवाल पूछा था, जिसका जवाब देते हुए सपना ने सलमान से भी यही कहा था कि उन्हें अपनी इस हरकत पर काफ़ी पछतावा भी है। तो ये थी हमारी आज की कुछ खास पेशकश। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।